बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वार न्यूज़ में। दोस्तों बहुत ही अहम खबर लेके आते हैं जो भी नई अपडेट आती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, कहीं से भी हमें सुन रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को लाइक करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा साथ जुड़ा रहेगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचेगा। आज की वीडियो बहुत अहम है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि वैक्सीन लगवाने वाले भी दुबई के लिए ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, मुसाफिर बहुत ज़्यादा परेशान। तो आज हम इस मौजू पर बात करने वाले हैं। टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। देखें, सबसे पहले हम आपको बताते हैं वो लोग दुबई के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं जिन लोगों ने दुबई से दो डोज मुकम्मल की हुई है वैक्सीन की और उनके पास अप्रूवल भी है और PCR का टेस्ट भी है 72 घंटे का, तो वो लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं और वो बुकिंग भी करवा सकते हैं PIA की और फ्लाई दुबई की। और आप इंडिया और बांग्लादेश से आपके जो भी फ्लाइट्स आपकी कंट्री से जाती है तो आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं और दुबई के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे वो लोग ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं जिन लोगों ने अपनी कंट्री से यानी कि अपने होम से वैक्सीन करवाई हुई है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो वो लोग दुबई के लिए ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। अगर वो बुकिंग के लिए भी जाएंगे अपने ऑफिस में यानी कि फ्लैट्स के ऑफिस में भी जाएंगे तो उन लोगों को बुकिंग नहीं मिलेगी क्योंकि उन लोगों ने अपनी कंट्री से वैक्सीन करवाई हुई है, तो उन लोगों को फ़िलहाल टिकट नहीं मिलेगी। पहले मरले में दुबई ने उन लोगों के लिए फ़्लैट्स ओपन किए हैं जो बड़े बड़े ओहदे पे हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, नर्सें हो गई और हेल्थ में काम करने वाले, उन लोगों को वैक्सीन भी उन्होंने मुकम्मल की हुई है और वो लोग दुबई के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अगर दूसरे नंबर पे आपको ये भी बताएं, जिन लोगों ने एक्सपो में भी बिजनेस करना है, अगर उसके पास अप्रूवल भी नहीं है, उसने डोज भी नहीं ली हुई, तो वो लोग भी दुबई के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं और उनको भी टिकट मिल सकती है और वो दुबई के लिए हर हालत में ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मुसाफिरों ने ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और परेशान हैं। खुश वो हैं जिन्होंने दुबई से पहले से दो डोज मुकम्मल की हुई हैं कोरोना की, तो वो लोग खुश हैं और उनको टिकट भी मिल गई है और वो दुबई के लिए ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं। और जिन लोगों ने दुबई से वैक्सीन नहीं करवाई तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए क्योंकि अभी उन लोगों के लिए बुकिंग भी नहीं है और वो लोग ट्रैवल भी नहीं कर सकते दुबई के लिए। वो लोग अभी ठहर जाएं, इंशाल्लाह इसी ही हफ्ते में उन लोगों के लिए भी खुशखबरी आ जाएगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।